फ्रेंड स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यूपी कैडेट के एग्जाम को लेकर, यूपी कैडेट के एग्जाम की आपको तैयारी कराई जा रही है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो आपको बता दें ये देखिए एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। किसके हैं? एग्रोनॉमी, आपको पहले ही बता दे रहे हैं ये एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, टॉप 50 क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। तो देखो एक एक क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। धान में गंदी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है? तो देखो धान में गंदी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है, मैं देखिए चार ऑप्शन आपको नहीं पढ़ूंगा। अगर चार ऑप्शन आपके पड़ेंगे तो देखिए काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगा जिससे कि कम समय में अधिक क्वेश्चन को पढ़ा जा सके। तो पहला क्वेश्चन था धान में गंदी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है, तो वो होता है दूधीय अवस्था में। दूधीय अवस्था में धान में गंदी कीट का प्रकोप होता है। नेक्स्ट है, सेकेंड है आपका बेबीलोप के अनुसार धान का उद्भव स्थल है। बेबीलोप के अनुसार धान का उद्भव स्थल है वो कौन सा है? तो ये धान का किसके अनुसार? बेबीलोप के अनुसार, तो इसके अनुसार हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं दोबारा से, यह है बेबीलोप के अनुसार धान का उद्भव स्थल है, तो इसमें इंडोनेशिया तो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका भारत और बर्मा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेबीलोप के अनुसार धान का जो उद्भव स्थल है वो है भारत और बर्मा, भारत बर्मा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संकुल मक्का की जाति नहीं है? अब देखो संकुल मक्का की जाति नहीं है, यानी तीन हैं और एक नहीं है, जो नहीं है उसको ही पहचानना। जैसे आपकी अगर श्वेता की बात करें तो श्वेता तो है, ठीक है, इसी प्रकार कंचन की बात करें तो कंचन भी है, और अंबर की बात करें तो अंबर भी है। अंबर, कंचन, श्वेता, ये मक्का की ही संकुल मक्का की जाति हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसमें गंगा थ्री की, तो ये नहीं है, गंगा थ्री संकुल मक्का की जाति नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे यूपी कैडेट की अच्छे से तैयारी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमेजिन का प्रयोग किस समय करना चाहिए? तो मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमेजिन का प्रयोग किस समय करना चाहिए, ये आपको बताना है और ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें हो जाएगा अंकुरण से पूर्व, क्या हो जाएगा? अंकुरण से पूर्व हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा प्रजाति है, तो वर्षा प्रजाति है पहला ऑप्शन इसमें धान दे रखा है, फिर ज्वार, बाजरा और मक्का, तो इसमें से एक ऑप्शन बताना है वर्षा प्रजाति है, तो इसमें हो जाएगा ज्वार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छः की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है? बाजरा का जन्म स्थान है। अब बाजरा का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है, तो बाजरा का जन्म स्थान हो जाएगा अफ्रीका, क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर छः का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सात। देखिए क्वेश्चन नंबर सात आपकी स्क्रीन पे लग चुका है तो इसे भी देख समझते हैं। अरगट रोग किस फसल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर सात, अरगट जो फसल है, अरगट जो रोग है वो किस फसल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बाजरा, किससे संबंधित है? बाजरा से। नेक्स्ट है, बुवाई के समय समूचे आलू का आकार होना चाहिए, जो जिस समय आलू की बुवाई की जाती है उस समय समूचे आलू का जो आकार है वो कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है, तो वो होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, आलू में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत है, तो आलू में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। आलू में जो कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है उसका जो प्रतिशत होता है वो होता है 18%, कितने परसेंट है? 18%। अगला क्वेश्चन है, आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए?
यानी जो आलू है ना, तो आलू में भाई कंद बनने के लिए उपयुक्त तो तापमान है वो कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई आलू में कंद बनने के लिए अगर हम उपयुक्त टेम्परेचर की बात करें तो चाहिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 11, सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है? अब देखो सोलेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो भाई सोलेनाइजेशन जो है वो आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू से। सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है? तो वो है आलू से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, मृदा में उपस्थित बालू कॉमा सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। मृदा में उपस्थित बालू सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा गठन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मृदा गठन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का जो व्यास है वो कितना होना चाहिए? सिल्ट कणों का व्यास कितना होना चाहिए? तो वो होता है, देखिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 0.02 से 0.002 मिमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा के रखिए। कपास की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो हम 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं तो ये हो जाएगा काली मृदा, यानी काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, या फिर दो फसलों के बीच में कम फसल में ली जाने वाली जो फसल है वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो ये कह रहा जा रहा है अंतर्वर्ती फसल यानी कैच फसल भी इसे बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रिट्रिकम एस्टिवम में गुणसूत्रों की संख्या। अब देखो ट्रिट्रिकम एस्टिवम, आप नीचे कमेंट करके बताइए ट्रिट्रिकम एस्टिवम किसका बॉटनिकल नेम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब ट्रिट्रिकम एस्टिवम में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कितनी होगी, तो ट्रिट्रिकम एस्टिवम में कितनी हो जाएगी? 42। क्रोमोसोम की संख्या बेटा हो जाएगी 42। अगला क्वेश्चन है गेहूं में करनाल बंट का कारण है, तो गेहूं में करनाल बंट का क्या कारण है? तो गेहूं में भाई करनाल जो बंट का कारण है वो है फफूंदी। क्या है? फफूंदी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और क्लास रोजाना आपको 8 बजे मिलेगी, रात 8 बजे आपकी डेली क्लास चलेगी। ठीक है, आपका जो जीके का पोर्शन है, आपका जीके का पोर्शन बहुत जल्दी करा दिया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जीके भी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, रोजाना 8 बजे आप वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आप समझो, किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, आपसे ये कह रहा है वो कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, तो वो हो जाएगा आपका मूंगफली। अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो सबसे, नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट है चने का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो चने का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19। देखो चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सीसर एरिटेनस। क्या है? सीसर एरिटेनस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को समझिए, पैकिंग अधिकीलन किस फसल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 भाई, पैकिंग अधिकीलन किस फसल से संबंधित है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है पैकिंग अधिकीलन, इसी को क्या बोलते हैं? अधिकीलन। किससे संबंधित है? तो हो जाएगा मूंगफली। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लोहित प्रजाति है, तो लोहित प्रजाति है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए, तो लोहित प्रजाति है, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास क्या है? लोहित प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पके हुए गन्ने में वृक्ष प्रतिशत होती है, पका हुआ जो गन्ना है उसमें वृक्ष प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, ये आपको करेक्ट बताना है। तो
तो पके हुए गन्ने में ब्रिक्स प्रतिशत होती है वो होती है 17%, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 23, गन्ने की अधिसाली फसल की बुवाई का समय क्या है? तो गन्ने की अधिसाली फसल की बुवाई का समय आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसका राइट समय क्या होगा। तो देखो आंसर शीट के हिसाब से आपका गन्ने की अधिसाली फसल की बुवाई का जो समय है वो हो जाएगा जुलाई। क्या हो जाएगा? जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? देखो यहाँ पे कह रहा है प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम प्राइमिंग की बात करें तो प्राइमिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा तंबाकू से संबंधित, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, तो भाई जो बरसीम की फसल है उसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो पाई जाती है, तो कौन सी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर वाला, राइजोबियम ट्राईफोलियाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंच गए और अभी तक आपने लाइक नहीं कराया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो का लाइक का टारगेट आज हम रखते हैं 100, ठीक है, 100 लाइक। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करिए। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है? अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कौन सी मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, मृदा संरचना है, तो मृदा संरचना है चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन बताना है। मृदा संरचना है मृदा कणों के विन्यास, सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सबसे अधिक ससंजन गुड़ का गुड़ किस मृदा में पाया जाता है? अगर हम सबसे ज़्यादा ससंजन का गुड़ की बात करें किस मिट्टी में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी, यानी सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पोटाश का प्रयोग बढ़ाता है, अगर आप कृषि में पोटाश का प्रयोग करोगे तो पोटाश के प्रयोग से क्या होगा? तो पोटाश के प्रयोग से होगा पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, देखो हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चल दिए और क्वेश्चन अभी 20 बचे हैं, ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो आप, आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन मिलेगा, रोजाना डेली 50 क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे और बहुत जल्दी आपके GK जितनी भी यूपी कैडेट के एग्जाम में GK पूछी जाती है सारी GK मैं आपको करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और मेहनत से पढ़िए। अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है, अगर हम अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को लिया जाता है नाइट्रेट के रूप में, किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31, एग्रो एजो कल्चर का प्रयोग किस फसल में करते हैं? देखो एग्रो एजो कल्चर का प्रयोग किस फसल में करते हैं, तो भाई ये है गन्ना में भी करते हैं, मक्का में भी करते हैं, ज्वार में भी करते हैं, यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मक्का आलू गन्ना पेड़ी लोबिया फसल चक्र हैं, तो ये मक्का आलू गन्ना पेड़ी लोबिया फसल चक्र हैं, ये है 3 वर्ष का, क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी जो है वो कितनी रखते हैं, ये आपको आपसे पूछ रहा है, तो भाई 3 मीटर, क्या हो जाएगा? 3 मीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ट्राइकोगामा चीलोनिस का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है?
ट्राइकोगामा चिलोनिस का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है इसमें आपको बताना है। तो 34 के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें वो हो जाएगा धान का तना छेदक। क्या हो जाएगा? धान का तना छेदक। 34 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 35वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखो, सोयाबीन की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, सोयाबीन की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर है वो कितनी है। अगर हम 35 क्वेश्चन की बात करें तो इसका 75 किलोग्राम हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप इसे और स्लो करके देख सकते हैं तो आप यूट्यूब पे इसे स्लो करके भी देख सकते हैं वीडियो को, और स्पीड से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हो जाएगा कंचन। क्या हो जाएगा? कंचन। क्वेश्चन नंबर 37 पे की ओर चलते हैं। 37 में समझो आप, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है चंद्रा कौमा चित्रा कौमा कौशल प्रजातियां हैं, तो कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रा चित्रा कौशल प्रजातियां हैं वो है मूंगफली की। किसकी है? मूंगफली की। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए लाभदायक तेल कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए लाभदायक तेल है वो है सूरजमुखी का तेल। अगला है, अच्छे गुण वाली फसल में क्वांटम की संख्या होती है, अच्छे गुण वाली फसल में क्वांटम की संख्या जो होती है वो 40 से 45 होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है इसे भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कपास का सबसे हानिकारक कीट है, तो कपास का जो सबसे हानिकारक कीट है वो है कपास का गुलाबी कीट। कौन सा है? कपास का गुलाबी कीट। 40 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अभी इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपके बकाया हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सिगरेट है, हुक्का है, बीड़ी है और खाने वाले हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर की बात करें तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खाने वाले। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर है, तो मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर है ए ऑप्शन है आ संस्तर, बी ऑप्शन है बा संस्तर, सी ऑप्शन है सा संस्तर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आ संस्तर। मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर को कहा जाता है आ संस्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को लाइक करिए। लाइक का मैंने आपको टारगेट बताया है कितना है, 100 लाइक तो कर ही दीजिए। 100 बच्चे तो देख वीडियो को देख ही रहे होंगे, ठीक है? तो 100 लाइक करिए जल्दी से, 100 बच्चे देखेंगे तो 100 लाइक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 50 क्वेश्चन आपको 25 मिनट के अंदर मैंने करा दिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 50 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। कितने मिनट में? 25 मिनट में करा रहा हूँ। अब 25 मिनट में देखो 50 क्वेश्चन कितने सुपरफास्ट तरीके से मैंने आपको करा दिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से करा रहा हूँ तो आप YouTube पे जाइए, YouTube जैसे ही खोलोगे तो वहाँ पे सेटिंग में आप देखोगे, वहाँ पे स्पीड को कम भी किया जा सकता है और स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसे पढ़ लेना। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, 2 से 3 बार देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे और रट जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई तीन क्वेश्चन सत्य हैं, तीन ऑप्शन सत्य हैं और एक ऑप्शन है वो असत्य है, वो ही पहचानना है। कौन सा असत्य है? तो देखो कह रहा है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती होती है, तो नहीं होती है, गेहूं की खेती नहीं होती है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है, तो ये भी कहना क्या है, गलत है।
भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती नहीं होती। अगला है, भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। चलिए एक मिनट दोबारा से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछ रहा था असत्य वाला, ठीक है, और पहला ऑप्शन दे रखा है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये वाला सही है, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है ये। अगला है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। हाँ, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, तो ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। यानी अगर हम डी ऑप्शन की ओर जाएं, उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या हैं, सत्य हैं, ठीक सत्य हैं, लेकिन यहाँ पे तो असत्य पूछा था। अब तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन हैं इसके वो बिल्कुल सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। देखो तीनों ऋतुओं की बात कर रहा है वो, ऐसी कौन सी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, ऐसी कौन सी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। अगर हम देखिए सी ऑप्शन की तरफ देखें, मक्का और सूरजमुखी को देखें, तो मक्का और सूरजमुखी है वो तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा ज्वार धान, यानी ज्वार बाजरा धान में किस प्रकार का फल पाया जाता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है फल की बात कर रहा है आपसे, भाई 45 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, आप ये बताओ कि भाई ज्वार बाजरा व धान में किस प्रकार का फल पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरियोप्सिस। किस प्रकार का फल है भाई, कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। गेहूं के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है, तो गेहूं के अंकुरण के लिए अगर हम इष्टतम तापमान की बात करें तो वो हो जाएगा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 को समझो आप, निम्न में से कौन सा दीर्घ प्रदीप्तकालिक पौधा है। निम्न में से कौन सा दीर्घ प्रदीप्तकालिक पौधा है, तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा दीर्घ प्रदीप्त कालिक पौधा है, तो इसमें हो जाएगा जौ, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम अरहर के बीज को बॉबस्टिन से उपचारित करने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता होगी। देखो 50 किलो अरहर की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपको बताना है। 50 किलोग्राम अरहर के बीज को बॉबस्टिन से उपचारित करने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन नंबर 48 का बी ऑप्शन देखें तो हो जाएगा 125 ग्राम। कितनी आवश्यकता होगी, 125 ग्राम। देखो अभी तक हमने इस पीडीएफ के 48 क्वेश्चन को लगा लिया, अब आपके क्वेश्चन कितने बचे हैं, लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, उन दो क्वेश्चनों को भी देखते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करके रखिए। टेलीग्राम की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ इसकी बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परपरागित फसल है। अब आपको निम्न में से कौन सी परपरागित फसल आपको बतानी है। देखो इसमें अगर हम जाएं मक्का की तरफ, सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो 50वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस पीएच पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिकतम होगी। अब देखो किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। करेक्ट आंसर आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7 पीएच। कितना हो जाएगा, 6 से 7 पीएच। देखो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और करीब करीब एग्रोनॉमी, ये फर्स्ट है एग्रोनॉमी, आपको देखो बता दूँ ये जो एग्रोनॉमी चल रही है ना, ये एग्रोनॉमी फर्स्ट है, इसके हम 250 क्वेश्चन करेंगे।
कितने 250 क्वेश्चन करेंगे और 250 क्वेश्चन में कितनी बनेंगी 50-25 आपकी 5 वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो 5 वीडियो मैं बना दूंगा, 250 क्वेश्चन आपको इसके ऑब्जेक्ट जो हैं वो करा दिए जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइए। बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।